हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आज आपको देखे स्टिक जो मैंने बना रखी है मनी प्लांट की। ये मैं यहाँ पे हमारे गांव में कई बार जो प्लांट बेचने वाले आते हैं तो उससे मैंने ये मनी प्लांट की जो है लिया था। प्लांट मैंने छोटा सा प्लांट था जब मैंने लिया था इसको, तो अब इतने से था तो अब देखिए काफ़ी ये बढ़ चुका है। तो मैंने जो इसकी स्टिक का देखिए मैंने अपने आप इसको बनाया हुआ है। इसमें जो प्लास्टिक की बिजली की जो हम तारें डालते हैं वो प्लास्टिक इसमें मैंने डाली हुई है ये बैक पीस में। तो इसको क्या किया मैं, नारियल जो हम यूज़ करते हैं खाने में तो उसका जो छिलका है उसके साथ ही मैंने इसको अच्छी तरह से बांध रखा है। तो जब ये इसमें गीला हो जाता है तो काफ़ी इसमें जो नमी बनी रहती है, तो काफ़ी देर तक जो स्टिक है इसके साथ जो लगी रहती हैं तो इसके साथ ही ये ऐसे चलती जाएंगी। तो इसको आप अगर बाजार से नहीं ला सकते तो आप इसको घर पे भी बना सकते हैं। तो ये बहुत ही आसानी से बन जाती है, पर प्लांट भी काफ़ी अच्छा है इसके साथ जो है चलता रहता है, क्योंकि ये जब जल्दी ख़राब भी नहीं होती है। और इसके साथ ही जो है आप जानते होंगे जो कोको फीड होती है उसका हम पौधों में इस्तेमाल करते हैं, तो इसी तरह जो इसका कोको फीड का जो रस होता है जब हम इसको करते हैं तो ये प्लांट को भी काफ़ी साथ में मिलता रहता है। इसकी जो रूट्स वगैरह हैं इनको जब ये साथ लगती हैं तो ये जब ये रूट्स वगैरह साथ लगती हैं तो काफ़ी इनको खाद मिलता रहता है। इस तरह से अगर आप जो स्टिक घर पर बनाना चाहें तो घर पर भी बना सकते हैं, तो अगर आप बाजार से लाना चाहें तो बाजार से भी ला सकते हैं, लेकिन मैंने इसको घर पे ही बनाया हुआ है तो काफ़ी अच्छी है। स्टिक चल रही है मेरी, तो आप देख रहे हैं मेरा प्लांट भी काफ़ी चल रहा है। अभी मैंने इसको 2-3 महीने हुए इसको लिए हुए, तो क्योंकि ये मैंने ये जुलाई के महीने में जब एंड था जुलाई का तब मैंने लिया था ये प्लांट, उसके बाद तो प्लांट देने वाले आए भी नहीं है दोबारा। तो ये ऐसे काफ़ी लोग कहते हैं इसके साथ मनी आए या कुछ हैगा, ये मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मैं सिर्फ इसको एक खूबसूरत प्लांट होता है, ये काफ़ी अच्छा चलता है। आप इसको अंदर भी रख सकते हैं, इंडोर भी रख सकते हैं, तो आप इसको बाहर भी रख सकते हैं, यहाँ 2-3 घंटे भी धूप पड़ सकती है। तो ये प्लांट काफ़ी चल रहा है मेरे पास। देखिए तो इसमें थोड़ी सी जैसे आप मिट्टी है इसकी थोड़ी सी रेतली मिट्टी जैसे हम रेत होती है सैंड्स वगैरह होती है वो डाल के इसको अच्छी तरह से किसी भी प्लांट में आप डालें तो सैंड्स जरूर डालें ताकि जो पानी है वो अच्छी तरह से नीचे निकल जाता है। तो ये थी मेरी छोटी सी जानकारी आपको देने के लिए। अगर मेरी आपको जानकारी अच्छी लगे तो धन्यवाद।